लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के ग्राउंड पर छठवां ऑल इंडिया प्राइज मनी लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस दौरान यह मैच DASCB और उत्तराखंड के बीच खेला गया, जिसमें सेंट एंड्रयूज कॉलेज के ग्राउंड पर DASCB की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 35 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 211 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया तथा DASCB के लिए ओवैस अहमद ने 50 गेंदों पर 70 रन बनाए, जबकि नमन शर्मा 56 व दीपक ने 53 रनों का योगदान दिया। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के क्रिकेटर अविनीश ने 3 विकेट, प्रमोद, संयम और अभय ने एक एक विकेट लिए। जवाब में उत्तराखंड की पूरी टीम 160 रनों पर सिमट गई। उत्तराखंड के अनय बसंत ने 31 रन, आर्यन ने 30 रन और सुमित ने 27 रन बनाए। DASCB के आरिस आलम ने 3 विकेट, चरण ने 2 विकेट, राहुल आरिफ, अंकित व विकास ने एक एक विकेट लिए। इस मैच का मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार DASCB को दिया गया। इस अवसर पर लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी के संरक्षक हर्ष सिन्हा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अंबु श्रीवास्तव, अनुप श्रीवास्तव, राजेंद्र प्रसाद, विजय मिश्रा, विनोद पाठक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी के संयुक्त सचिव डॉक्टर मुदित गुप्ता ने कहा, क्या बात है यार, सबसे ज्यादा मेहनत फुटबॉल में कम चैंपियन ट्रॉफी एक नाम का है। मैं डॉक्टर मुदित गुप्ता, जॉइंट सेक्रेटरी लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी। ये लक्ष्य चैंपियन ट्रॉफी प्राइज मनी प्रतियोगिता है। ये नेशनल लेवल की प्रतियोगिता है जो कि हर साल लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी कराती है। कौन कौन सी टीमें इसमें भाग ले रही है? इसमें DASCB ले रही है, उत्तराखंड ले रही है, आपका NER ले रही है, लक्ष्य की अपनी मेजबान टीम ले रही है और UPCA ले रही है और CAG। आज DASCB उत्तराखंड का मैच सेंट एंड्रयूज क्रिकेट ग्राउंड पे हो रहा है और यानी रेलवे और UPCA का रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पे हो रहा है। इन लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा जी, सम्मानित भी किया जाएगा जो विजेता टीम। हाँ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आज तो मैन ऑफ द मैच ही होगा, लेकिन जिस दिन फाइनल होगा उस दिन 3 लाख रुपया फर्स्ट, जो भी टीम पहले नंबर पे आएगी उसको 3 लाख रुपया और जो दूसरे नंबर पे आएगी उसको 2 लाख रुपया प्राइज मनी दिया जाता है।